आई डॉक्टर जावेद अख्तर खान वेलकम अगेन टू यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर. नाउ टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम ऑन अ बिहाफ ऑफ कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर. यानी आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, यह हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, स्ट्रिंग यानी डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम वाला स्ट्रिंग, जिसके लिए एक ग्रामर है और हमें ये चेक करना है क्या वह ग्रामर डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम के स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. तो चलिए सबसे पहले तो हम एक ग्रामर बना लेते हैं. एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो ये प्रूव करना है कि इज दिस रिप्रेजेंट एल्स एम्बिग्यूटी, यस और नो. ओके, एंड एल्स एम्बिग्यूटी इज नथिंग बट दैट इज ऑल्सो द डैंजलिंग एल्स एम्बिग्यूटी. क्लियर? सो नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल, सी एफ जी एग्जाम्पल. सो वी हैव दिस वन स्टेटमेंट. ओके, दैट इज एस इफ एक कंडीशन हमको दे दी. ओके, इफ दे दिया, इसके बाद इसकी एक कंडीशन दे दी हमको. ओके, दैट कंडीशन इज देयर, देन स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ये भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट. ओके, देन इसका एल्स पार्ट इज देयर, देन अगेन स्टेटमेंट. क्लियर? So this is considered as a non-terminal and these are the production done by this particular non-terminal. Okay, second, यही जो statement है as a non-terminal, it is again produces the another set of production, that is condition then statement. Clear? No dot. Clear? Then final, this condition also consider as a non-terminal and it is produces which one? It is produces a terminal variable, that is A, and finally this STMT will be terminated by B. Clear? So this is the one grammar. In this grammar, what is the question? Prove the Dangling else ambiguity representation with the help of using this grammar statement for the given string. Okay? अब गिवन स्ट्रिंग क्या है, तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं. स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ये हमारा सिर्फ डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम है. तो डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम का जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, न्यूमेरिकल उसमें यानी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था, उसका थ्योरी भी हम कर चुके हैं और उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी हम देख चुके हैं. बट यहाँ पर जो कंडीशन है डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम की कंडीशन, वो क्या है कि इफ ओके देन, ओके देन अगेन इफ then, okay, if then B, then else then B part. Okay, ये हमारा dangling else problem का condition है और इस condition को हमें इस grammar के through prove करना है कि ये condition जो है वो ambiguity है या नहीं है. अगर ambiguity है तो yeah, that means this is the dangling else problem. Clear? So what is this? This is our if A then, if A then else B. Okay? Then B then else B. This is the condition. Okay? Now एक बार check कर लेते हैं क्या ये dangling, पहले तो अपन check कर लें फिर उसके बाद इसका derivation drive try करते हैं, derivation tree drive करते हैं और check करेंगे अगर हमको ambiguity मिल गया. Ambiguity मिल गया तो ये proof हो जाएगा कि this particular grammar for this particular Dangling else problem is the ambiguity situation and this is proof the dangling else problem is present in this particular grammar. So पहले क्या होगा, if होगा. Okay, if अगर condition true हुई then entry मिल गई अंदर वाले part में. Okay, इसकी condition true हुई तो अंदर वाले part में entry मिल गई. So this is the true part, this is again the true part, but in this case this is the fail part. अब यहाँ पर fail हो गया तो एम्बिग्यूटी सिचुएशन हो गया ना, अब वो यहाँ जा सकता है ना वो अब यहाँ जा सकता है. दिस इज द डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम. ओके, दिस इज द डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम. तो ये तो हो गया हमारा डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम. अब इसको हमको प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली दिस एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है या नहीं होता. चलिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एम्बिग्यूटी. तो कंडीशन ऑफ एम्बिग्यूटी क्या होता है कि इफ वी आर drive two different parse tree for the one string,
दैट इज द कंडीशन ऑफ एम्बिगियस ग्रामर, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि इज दिस एम्बिगियस ग्रामर येस और नो, क्लियर, बाय यूजिंग LMD, बाय यूजिंग RMD. सो नाउ लेट इट स्टार्ट विद दिस वन. ओके, सो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमको स्टेटमेंट दिया है वो नॉन टर्मिनल जो है वो है STMT, नॉन टर्मिनल लिखा. अब इस नॉन टर्मिनल की क्या क्या प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम लिख लेते हैं. तो पहला जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है इफ, ओके. इसका जो दूसरा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है कंडीशन, जो यहाँ लिखा हुआ है. इसका जो तीसरा प्रोडक्शन है ये है देन, ओके. इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है ये है अगेन STMT, ओके. इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है ये है आपका एल्स, और इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट प्रोडक्शन जो है वो है आपका STMT, क्लियर. सो इफ हो गया, कंडीशन हो गया, देन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, देन एल्स हो गया, देन दिस वन. सो दिस इज फ्रॉम रूल नंबर वन. ये रूल को हमने इधर डेरिवेशन ट्री में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर. अब हमारा जो स्ट्रिंग है इसका मैपिंग देख लेते हैं. हमें इफ चाहिए, यस, इफ मिल गया, मैप हो गया, दिस इज द कंप्लीटेड. ओके, नाउ LMD यूज कर रहे हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर जो है कंडीशन है, कंडीशन पहले चेक कर लें क्या ये नॉन टर्मिनल है. सो कंडीशन यस नॉन टर्मिनल है. इसका आउटपुट प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ दिस कंडीशन. द आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ दिस कंडीशन इज ए. तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, ए से. तो ये तो रिप्लेस हो गया, क्लियर. नाउ देन, देन इज द टर्मिनल, यस देन इज द टर्मिनल, बिकॉज दिस इज नॉट, देन इज द टर्मिनल बिकॉज दिस इज प्रोड्यूसेस बाय STMT, ओके. देन इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग. सो अगर ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो एज पर द ग्रामर नॉर्म्स GTPS इट इज नॉट कंसिडर एज अ नॉन टर्मिनल, ओके. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. तो इफ मिल गया, आ मिल गया, देन मिल गया. सो नाउ इफ क्लियर हो गया, ए मिल गया, एंड देन मिल गया. अब बारी आती है किसकी, ये मिला हमको नॉन टर्मिनल, ओके. अब इस नॉन टर्मिनल के लिए अमंग ऑफ दिस सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल 1, 2, 3 एंड 4 विच वन इज सूटेबल. मैपिंग करते हैं, हमें नेक्स्ट जो चाहिए वो चाहिए हमें इफ, ओके. नेक्स्ट चाहिए इफ. अब इफ के पास हमारे पास दो कंडीशन है, या तो आप ये वाला लिख सकते हैं प्रोडक्शन रूल, या आप ये वाला कंडीशन प्रोडक्शन रूल लिख सकते हैं. तो ये वाला तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इसके में लास्ट में STM आ रहा है, इफ है, इफ मिल गया, देन इफ के बाद हमको क्या होना, इफ के बाद दिस वन, इफ आ देन, देन एल्स. तो विच वन वी सेलेक्टेड, वी वन सेलेक्टेड वन द सेकेंड वन, ओके. तो सेकेंड वन को सेलेक्ट करते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ स्टेटमेंट. यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सेकेंड सेट ऑफ रूल, ओके. देन इसका जो कंडीशन पार्ट है, CUND कंडीशन, ओके. देन, देन पार्ट, ओके. देन दिस विल बी प्रोड्यूस वन मोर थिंग, दैट इज STMT, क्लियर गाइस. तो यहां पर ये जो प्रोडक्शन लिखा है ये सेकंड रूल ऑफ, दिस इज द सेकंड रूल ऑफ प्रोडक्शन रूल, क्लियर. नाउ एल्स, तो यहां पर हमको नेक्स्ट क्या चाहिए था, हमको पहले से इफ मिल गया, ओके. दिस इज कंप्लीटेड, यस. ए इज कंप्लीटेड, यस. देन, देन इज ऑलरेडी हियर, यू विल सी दिस देन, ओके. दिस इज आल्सो कंप्लीटेड. देन इफ, इफ अब ये इफ के लिए यहां आएगा स्टेटमेंट, एंड दिस इफ इज कंप्लीटेड, यस. दिस इफ इज आल्सो कंप्लीटेड, क्लियर. अब आई बात, हमको नेक्स्ट जो प्रोडक्शन चाहिए वो चाहिए है ए. अब ए के लिए हम चेक करेंगे कि कंडीशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है. तो कंडीशन इज कंसीडर एज अ CUND एंड इज कंसीडर एज अ नॉन टर्मिनल. अब ये जो नॉन टर्मिनल है यहाँ पर ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनल हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज प्रोड्यूसेस द ए. तो ये ए मिल गया. नाउ दिस ए इज ऑल्सो कंप्लीटेड, क्लियर. ए के बाद देन चाहिए था, यस. दिस देन इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ बी, अभी बी प्रोडक्शन हमको चाहिए. तो नाउ वी हैव अनदर स्टेटमेंट, दैट इज द नॉन टर्मिनल. अब हमारे पास अगला क्या है, प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल है. अब ये अगला प्रोडक्शन जो नॉन टर्मिनल है यह रिप्लेस हो जाएगा किससे, यह रिप्लेस हो जाएगा सेट ऑफ प्रोडक्शन नंबर 4 से, क्लियर. ये बी मिल गया, ओके. देन फाइनल दिस बी इज कंप्लीटेड, एल्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट. नाउ फाइनल बी इज रिक्वायर्ड. तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय बी. तो पहला पार्स ट्री तो हमको मिल गया, ओके. सो दिस इज द LMD,
एलएमडी हमने अप्लाई किया और पहला पार्स ट्री बना लिया, क्लियर। एलएमडी अप्लाई करके पहला पार्स ट्री बना लिया, इसका एक डेरिवेशन हम देख लेते हैं कि डेरिवेशन कैसे बनेगा। तो एस टी एम टी, ओके, एस टी एम टी इज प्रोड्यूसेस एफ कंडीशन, देन एस टी एम टी एल्स पार्ट, क्लियर। दिस इज द, यहां पर हम एल एम डी का डेरिवेशन कर रहे हैं। सो इफ इज द टर्मिनल, नो नीड टू रिप्लेस, कंडीशन यस, कंडीशन इज द नॉन टर्मिनल, तो ये रिप्लेस होगा, एल एम डी है तो लेफ्ट मोस्ट, तो पहले नॉन टर्मिनल देख लें, दिस इज द नॉन टर्मिनल, यस दिस इज नॉन टर्मिनल, ओके, एस टी एम टी इज द नॉन टर्मिनल, एल्स इज, दिस इज एस टी एम टी इज द नॉन टर्मिनल। अब अमंग ऑफ दीज नॉन टर्मिनल विच वन इज द लेफ्ट मोस्ट, सो दिस वन इज द लेफ्ट मोस्ट, तो हम एल एम डी यूज कर रहे हैं, तो ये एल एम डी का डेरिवेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रामर। इसको कंडीशन को रिप्लेस करेंगे, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस कंडीशन वी हैव ए, तो इसको ए से रिप्लेस कर दिया, ओके, देन एज यूजल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट उसमें चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं यही चेंज करके आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है वो अगेन, चलो इसको नेक्स्ट उसमें ही करेंगे, स्टेटमेंट, देन एल्स पार्ट, देन फाइनल एल्स एस टी एम टी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अभी टर्मिनल हैं, ओके, व्हाट इज दिस, दीज आर द टर्मिनल, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, अगेन वी हैव अ एस टी एम टी। अब एस टी एम टी हमको जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल मिला है इसको हमें रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए नाउ वी विल स्टार्ट, इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ए इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, देन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नाउ इट इज द टर्म टू चेंज दिस पर्टिकुलर एस टी एम टी। अब हमको इस एस टी एम टी को रिप्लेस करना है, तो एस टी एम टी क्या है, एस टी एम टी ये वाला प्रोडक्शन वी आर ऑलरेडी यूज, नाउ लुक एट दिस वन एंड मैपिंग विद दिस, तो ये एस टी एम टी अब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, सो दिस वन रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ रूल नंबर टू, सो नाउ दिस बिकम अ इफ कंडीशन, ओके, देन एस टी एम टी एंड दिस रिमेनिंग एस टी एम टी, ओके, दिस वन एस टी एम टी एंड रिमेनिंग पार्ट एज यूजुअल कॉपी, क्लियर ना। सो यहां तक जो है अब हमको इफ मिल गया, यस इफ मिल गया, एंड नाउ दिस इज द नॉन टर्मिनल, यस दिस इज द नॉन टर्मिनल, वॉट इज अवर रिक्वायरमेंट, अगेन दिस इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, ये भी एक नॉन टर्मिनल है, ये भी एक नॉन टर्मिनल है, ये भी एक नॉन टर्मिनल है, तो अब लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ये कंडीशन है, तो कंडीशन हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो टिल नाउ वी हैव अ इफ आ देन, ओके, देन इसमें इफ आ देन इफ, ये दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल ए बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर थ्री, ओके, तो यहां पर इसको हमने प्रोडक्शन नंबर थ्री से रिप्लेस कर दिया, ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ओके, नाउ अब एस टी एम टी है, एस टी एम टी हमको रिप्लेस करना है, एस टी एम टी रिप्लेस करना है, तो एस टी एम टी रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा ये एस टी एम टी, इफ कंडीशन ए देन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ दिस एस टी एम टी विल बी रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट इज बी, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय हूम, लेफ्ट मोस्ट है, तो दैट्स वाई इट इज रिप्लेस्ड बाय बी, नॉन टर्मिनल था और लेफ्ट मोस्ट भी था, इसीलिए ये इससे रिप्लेस हो गया, नाउ एस टी एम टी फाइनल, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, अब हमारे पास लास्ट में बचा एस टी एम टी, अब इसको हमें रिप्लेस करना है, अब इसको रिप्लेस करने के लिए इफ ए देन इफ ए देन बी एल्स एंड फाइनल एस टी एम टी इज रिप्लेस्ड बाय हूम बी, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू गिवन स्ट्रिंग, ओके गाइस, तो अभी पार्ट वन एलएमडी हमने बना लिया, पार्ट वन एलएमडी का हमने डेरिवेशन भी ड्राइव कर लिया, अब बारी आती है अगर हम एलएमडी का दूसरा डेरिवेशन ट्री बना लेते हैं जो कि इस डेरिवेशन ट्री से डिफरेंट है, तो एम्बिग्यूटी जस्टिफाई हो जाएगी, तो यह ग्रामर जो है वो डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर देगा, तो आगे देखते हैं हम इसी स्ट्रिंग के लिए, इस डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम के लिए LMD part 2, LMD part 1 is completed, this is our LMD part 1 completed, okay, अब बारी आती है इसके LMD part 2 की, तो
तो एल एम डी पार्ट टू अगर अपन बना लेते हैं और ये दोनों डिफरेंट मल्टीपल ट्री हो जाएंगे तो इट मीन्स इट इज आर एम्बिगस जस्टिफाइड हो जाएगा. ओके सो नाउ इसके लिए सबसे पहले हम एल एम डी का डेरिवेशन एक देख लेते हैं. एल एम डी का सेकेंड डेरिवेशन ना हियर वी विल स्टार्ट विथ विच वन एस एम टी है हमारे पास एस टी एम टी. ओके एस टी एम टी कंडीशन ले लेते हैं. कंडीशन जो है स्टार्ट करते हैं हम इफ से देन कंडीशन से एंड देन पार्ट देन एस टी एम टी. यहाँ पर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल जो है ये सेकेंड नंबर का लिया क्योंकि वी ऑलरेडी टुक फर्स्ट नंबर. हम पहले पहला नंबर ये वाले से स्टार्ट करके काम कर चुके हैं और हमको एक डेरिवेशन ट्री मिल गया. इस बार हमने क्या किया कि एस एम टी जो है वो सेकेंड सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल लेके चलते हैं और चेक करते हैं अगर ये भी इस स्ट्रिंग को जस्टिफाई कर देता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ द एम्बिगस जस्टिफिकेशन ऑफ डेंजलिंग एल्स प्रॉब्लम एंड दिस आर द सोल्यूशन. सो स्टार्ट करते हैं. तो एस टी एम टी हो गया, एस टी एम टी हो गया, यहाँ से लिख देता हूँ एस टी एम टी. ओके ना पहले हमें क्या चाहिए एज पर आवर दिस इक्वेशन स्ट्रिंग रिक्वायरमेंट इफ इफ इज ऑलरेडी देयर. नाउ नेक्स्ट वी नीड ए. सो नॉन टर्मिनल इज हियर दिस नॉन टर्मिनल एंड दिस इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल एंड दिस इज एंड दैट मीन्स देयर आर टू नॉन टर्मिनल. इस पर्टिकुलर लाइन में दो नॉन टर्मिनल हैं. पहला नॉन टर्मिनल कंडीशन है, दूसरा नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट है. क्लियर. अब हमें मैपिंग करते हैं. मैपिंग की तो इफ़ के बाद हमें ए चाहिए. तो ये जो पहला नॉन टर्मिनल है इसको हम ए से रिप्लेस करेंगे. तो कर देते हैं ए से रिप्लेस. ए ए से रिप्लेस इसीलिए किया क्योंकि दिस इज द रूल नंबर थ्री. तो दिस वन इज ए. नाउ देन ऑलरेडी हियर यानी टिल नाउ ये पोर्शन मिल गया. क्लियर. अब बारी आती है एस टी एम टी की. अब ये एक ही नॉन टर्मिनल बचा जो लेफ्ट मोस्ट है, इसको हमें रिप्लेस करना है. इसको रिप्लेस करने के लिए अब हम क्या रख सकते हैं, इफ़ चाहिए तो या ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं. फिर इफ़ के बाद कंडीशन चाहिए ए. कंडीशन ए है, कंडीशन ए है, ये ए है. देन हमें देन मिल गया, देन ऑलरेडी टर्मिनल है. फिर हमें बी चाहिए तो बी के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट मिल जाएगा तो ये बी हो जाएगा. ठीक है, बी स्टेट यहाँ पर एस टी एम टी आ जाएगा. तो एस टी एम टी आ जाएगा तो यानी अगेन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. तो नाउ लेट इट बी चेक, रख के देख लेते हैं क्या है. इफ आ देन दिस स्टेटमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट रूल ऑफ प्रोडक्शन. तो फर्स्ट रूल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इफ ओके देन जो कंडीशन दी है वो फर्स्ट रूल ऑफ स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं. देन एंड एल्स पार्ट देन फाइनल एस टी एम टी पार्ट. ओके ना इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं. एक ये नॉन टर्मिनल है, एक ये नॉन टर्मिनल है और एक ये नॉन टर्मिनल है. ओके सो हमें ये हमारा जो डेंजलिंग इफ है यहाँ तक तो प्रूफ हो गया. क्लियर, सेकेंड एल एम डी डेरिवेशन से. क्लियर. अब ये कंडीशन आई, अब इस कंडीशन को रिप्लेसमेंट करते हैं हम किससे, ए से. सो नाउ लेट इट चेक इफ ए देन ए एंड दिस कंडीशन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन देन. सो नाउ ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया. क्लियर. देन अगेन वी हैव विच वन, वी हैव अ एस टी एम टी एज अ नॉन टर्मिनल, देन एल्स पार्ट, देन फाइनल एस टी एम टी. क्लियर. अब कितने नॉन टर्मिनल बचा, एक ये नॉन टर्मिनल बचा, एक ये नॉन टर्मिनल बचा. विच वन इज द लेफ्ट मोस्ट, दिस वन इज द लेफ्ट मोस्ट. ओके हमारी डिजायर क्या है, हमें बी चाहिए. क्लियर, हमारी डिजायर क्या है, हमें बी चाहिए. इज दिस प्रोड्यूस बाय, यस द प्रोडक्शन रूल नंबर फोर इज रेडी टू प्रोड्यूस दिस बी. सो रिप्लेसमेंट बाय द प्रोडक्शन रूल नंबर फोर. सो इफ आ देन इफ आ then and this will be replaced by B. Till now this is completed. Okay, else is already existing. So this why, that's why this is also completed. Else part is completed. Now we have another non-terminal in the string. So जैसा कि हमें मालूम है कि किसी भी string को जब हम drive करते हैं तो non-terminal नहीं होना चाहिए. अब ये non-terminal map होगा किससे, string देख लेते हैं. यहाँ B चाहिए, B is produced by 4. So this will be replaced by
फोर. नाउ फाइनल वी गॉट इफ अ देन इफ अ देन बी एल्स एंड फाइनल दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय बी एज पर द रिक्वायरमेंट. तो हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग LMD 2 से भी मिल गया. क्लियर? अब LMD 2 से मिल गया, LMD 1 से हमने इसका डेरिवेशन ट्री बना लिए, तो अब हम इसका भी एक डेरिवेशन ट्री बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये दोनों के दोनों मल्टीपल डेरिवेशन ट्री हैं कि नहीं. ऑब्वियसली ये मल्टीपल डेरिवेशन ट्री हैं बिकॉज यहाँ पर बनेंगे. क्यों बनेंगे? क्योंकि LMD पोर्शन 1 ड्राइव किया है हमने एक अलग सेट ऑफ रूल को लेकर, LMD 2 हमने ड्राइव किया है एक अलग सेट ऑफ रूल्स को लेकर. तो चलिए इसका भी हम डेरिवेशन ट्री बना लेते हैं, दोनों ट्री को स्ट्रक्चर वाइज चेक कर लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि यस दिस इज द डैंगलिंग एल्स एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम. तो अभी तक हमने LMD 2 जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया. चलिए अब इसका हम ट्री बना लेते हैं, डेरिवेशन ट्री, और डेरिवेशन ट्री बना के फिर चेक करते हैं कि आगे क्या होता है. ठीक है, तो डेरिवेशन ट्री बनाते हैं. तो डेरिवेशन ट्री फॉर LMD, दिस डेरिवेशन ट्री फॉर LMD 1 and this derivation tree for LMD 2 and we are working on this particular string. Okay, this is dangling else string. Clear? So derivation jo hai STMT ye hamara tree jo ban raha hai starting symbol se start hoga. Starting symbol se start hone ke baad iske production rakhe humne jo production hume diye hain. Clear? Clear? ये जो प्रोडक्शन दिए हुए हैं ये प्रोडक्शन हम रख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा, देन एंड फाइनल हमको मिल गया STMT. क्लियर? नाउ ये इफ ऑलरेडी मिल गया है, कंडीशन जो है इस बार ये जो है ये रिप्लेस हो गया ए से. ओके, देन ऑलरेडी है, देन दिस इज द नेक्स्ट टर्म. ओके, अब इसको हम ग्रामर से, जो सेट ऑफ ग्रामर था उससे रखना चालू कर रहे हैं. सो दिस वन, देन दिस वन, देन दिस इज STMT एंड फाइनल else पार्ट एंड एट द लास्ट दिस वन बिकम STMT. क्लियर? ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया. कंडीशन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा ए से, देन ऑलरेडी है, एंड दिस स्टेटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय हुम, बी, एंड एल्स इज ऑलरेडी देयर एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय बी. तो गाइस इस डेरिवेशन का LMD ट्री भी रेडी हो गया. अब हमारे पास जो एम्बिग्यूटी की कंडीशन थी वो ये थी कि जो भी ग्रामर एम्बिग्यूटी ग्रामर होगी उसके दो मल्टीपल डेरिवेशन ट्री होना चाहिए. ओके, कंडीशन नंबर वन. बट यू विल ड्राइव द मल्टीपल डेरिवेशन ट्री विद द हेल्प ऑफ यूजिंग LMD के दो, यानी दोनों अलग अलग LMD डेरिवेशन बनाकर मल्टीपल ट्री बनाना है. तो ये LMD 2 हमने बना दिया और LMD 1 ऑलरेडी ड्राइव करके उसका ट्री बना दिया. फाइनल कंक्लूजन इज दैट यस दिस इज द डैंगलिंग एल्स स्टेटमेंट और स्ट्रिंग एंड द गिवन ग्रामर इज डैंगलिंग एल्स एम्बिग्यूटी ग्रामर. क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा. डैंगलिंग एल्स जो स्टेटमेंट है उसके लिए डेरिवेशन ट्री कैसे बनाना है, उसकी ग्रामर को कैसे जस्टिफाई करना है और उसको प्रूफ कैसे करना है. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट न्यू वीडियो. टेक केयर.